हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कॉची थ्योरम स्टडी करेंगे। सो लेट स्टार्ट विद वीडियो। कॉची थ्योरम एग्जांपल, इवैल्यूएट मॉडुलस ऑफ जेड प्लस थ्री अपॉन जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस फाइव डी जेड, वेयर कंडीशन इज, दो कंडीशन दी हुई है, एक दी हुई है मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू वन एंड दूसरी दी हुई है मॉड ऑफ जेड प्लस वन माइनस आई इक्वल टू टू। सो स्टार्ट करते पहली कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन से। सो मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल्स टू वन इज सर्कल सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज वन। एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओरिजिन पे और रेडियस वन है। अब पोल फाइंड करना है। पोल फाइंड करने के लिए जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है मीन्स जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस फाइव इक्वेट टू जीरो, इसको फैक्टराइज करना है। सो ऑलरेडी इक्वेशन है, मोड इक्वेशन मोड जहाँ भी होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड पे है, वैल्यूज पुट करना है। पहले अगर इसको कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी होगा। तो पहली वैल्यू ए की वन है, सो यहाँ पे वन, देन बी की जगह पे टू है, सो देन टू, यहाँ पे फाइव। सो पहली वैल्यू जो जेड की दिया है वो है जेड इक्वल्स टू माइनस वन प्लस टू आई, माइनस वन प्लस टू आई, और जेड इक्वल्स टू दूसरी वैल्यू दिया है माइनस वन माइनस टू आई। ओके, सो ये दो जेड की वैल्यूज पोल्स मिले हैं, माइनस वन माइनस टू आई एंड माइनस वन प्लस टू आई। अब इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप समझ नहीं आ रहा है कि ये इनसाइड है कि आउटसाइड, बाकी सम्स पे जब नंबर्स थे तो डायरेक्ट डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा था। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट ये है रियल एक्सिस और ये वाला है इमेजिनरी। सो इसमें से ये पोल में से रियल है माइनस वन एंड दूसरा वाला जो इमेजिनरी है वो है टू। सो रियल में माइनस वन यहाँ कहीं होगा क्योंकि रेडियस उसका वन है तो सर्कल पे होगा, देन टू तो ये पॉजिटिव यहाँ कहीं होगा, तो ये तुम्हारा पॉइंट है। अब ये जो माइनस वन प्लस टू आई है ये क्या हो रहा है, आउटसाइड जा रहा है। सो अगेन इसके लिए रियल माइनस वन है अगेन यहीं पे, ओके, लेकिन माइनस टू है सो नीचे ये हो गया माइनस वन माइनस टू आई, दोनों के दोनों जो है वो आउटसाइड द सर्कल है। फॉर कंडीशन मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल्स टू वन बोथ पोल्स मीन्स जेड इक्वल्स टू माइनस वन प्लस टू आई एंड जेड इक्वल्स टू माइनस वन माइनस टू आई आर आउटसाइड। सो जब दोनों के दोनों आउटसाइड है तो बाय कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ जेड प्लस थ्री अपॉन जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस फाइव डी जेड इक्वल्स टू जीरो, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हुआ। स्टार्ट करते हैं सेकेंड के लिए। सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है, मॉड ऑफ जेड प्लस वन माइनस आई इक्वल्स टू टू, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस वन माइनस आई, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस वन माइनस आई इक्वल टू टू। सो अब यहाँ पे अगेन वही प्रॉब्लम के ये कंडीशन के हिसाब से जो दो पोल्स है, पोल्स कौन से है, एक है जेड इक्वल्स टू माइनस वन प्लस टू आई एंड एक है जेड इक्वल्स टू माइनस वन माइनस टू आई। अब ये इनसाइड है कि आउटसाइड है वो चेक करना है। अब ये सर्कल का सेंटर और रेडियस, ओके रेडियस तो यहाँ पे टू है, इसका सेंटर, सो इसके लिए क्या करना है आपको, दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। एक सिंपल वे है, सिंपल वे क्या है, ये जो जेड की जो दो वैल्यूज आई है इसमें पुट कर दीजिए, पुट जेड इक्वल्स टू माइनस वन प्लस टू आई। सो यहाँ पे जब पुट होगा तो मॉड के अंदर माइनस वन प्लस टू आई
प्लस वन माइनस आई, ये जो ऑलरेडी था वो वैसे ही लिखा, यहाँ पे इक्वल टू मत डालना ठीक है, क्योंकि इसका आंसर लेस देन है ग्रेटर देन है, वही तो फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट किए ना, तो इक्वल टू मत डालना। माइनस वन प्लस वन कैंसल, टू आई और आई कैंसल, क्या बचा है यहाँ पे खाली आई, मॉड ऑफ आई। मॉड ऑफ आई का मतलब मॉड्यूलस के अंदर अगर कोई भी नंबर है तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल स्क्वायर, यहाँ पे रियल है नहीं इसलिए जीरो, प्लस इमेजिनरी मीन्स आई के साथ जो नंबर है यहाँ पे वन है, वन स्क्वायर मीन्स यहाँ पे रूट ऑफ वन विच इज इक्वल टू वन, वन इज लेस देन टू, सो अगेन सब जगह पे ये लेस देन वाली साइन डालना है। लेस देन टू का मतलब ये है कि ये इनसाइड द सर्कल है। ओके नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, दूसरे पार्ट के लिए पुट करेंगे पुट जेड इक्वल्स टू माइनस वन माइनस टू आई, सो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ माइनस वन माइनस टू आई प्लस वन माइनस आई टू। अगेन यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं डालना है क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन चेक करना है। माइनस वन प्लस वन अगेन कैंसिल, लेकिन माइनस टू आई और माइनस आई मिलकर क्या हो गया, माइनस थ्री आई। अगेन मॉड्यूलस का मतलब रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, सो रियल यहाँ पे क्या गिवन है जीरो, प्लस इमेजिनरी है माइनस थ्री स्क्वायर, देन ये हो जाएगा रूट ऑफ नाइन, ये हो जाएगा अगेन थ्री विच इज ग्रेटर देन टू। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है आउटसाइड, सो ये हो जाएगा इनसाइड और ये वाला हो जाएगा आउटसाइड, कौन सा, ये वाला पोल हो गया आउटसाइड और ये वाला पोल हो गया इनसाइड। मीन्स अब सॉल्व किसके लिए करना है, इसके लिए। अब ये वाला टर्म हो गया एक इनसाइड एक आउटसाइड, ये कौन सा टाइप हो गया, एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है। अब इसके लिए कैसे करना है, पहले आप ये पोल जो है वो लिख लो, z इक्वल्स टू माइनस वन प्लस टू आई एंड z इक्वल्स टू माइनस वन माइनस टू आई, इसके ना ब्रैकेट्स बना लेंगे, ब्रैकेट्स मीन्स ये वाले टर्म दोनों इधर आ जाएंगे तो ये बन जाएगा z प्लस वन और ये इधर आएगा तो बनेगा माइनस टू आई इक्वल टू जीरो। इस ब्रैकेट को यूज करूंगा अभी मैं, देन इसका बनेगा z प्लस वन प्लस टू आई इक्वल टू जीरो, देन अगेन ये भी यूज होने वाला है, अब कैसे होगा वो देखेंगे। जो तुम्हारा सम था, सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ z प्लस थ्री अपॉन z स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस फाइव डी जेड, अब ये वाले टर्म की वजह से ये रूट्स आए थे करेक्ट, सो इस रूट से ये जो ब्रैकेट कंसिडर हुई ये इसकी है, सो लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला पार्ट हो जाएगा z प्लस वन माइनस टू आई एंड z प्लस वन प्लस टू आई डी से, क्लियर है ये। अब इसमें से इनसाइड किसकी वजह से आया था, इसकी वजह से, दोनों में से पोल इनसाइड कौन सा था, ये वाला माइनस वन प्लस टू आई, सो माइनस वन प्लस टू आई की वजह से जो ब्रैकेट बना है वो नीचे ही रहेगा, ये वाला ऊपर चले जाएगा, तो ये सम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ z प्लस थ्री डिवाइडेड बाय, सिर्फ एडजस्टमेंट हो रहा है z प्लस वन प्लस टू आई होल डिवाइड बाय z प्लस वन माइनस टू आई डी जेड, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। जो भी आउटसाइड वाला ब्रैकेट है वो ऊपर चला गया, मीन्स अगर देखेंगे तो ये इन शॉर्ट ये नीचे आने के बाद सेम ही होने वाला है, सिर्फ एडजस्टमेंट किए इसका, इस वाले पार्ट को f ऑफ z कंसिडर करना है, इसलिए ये सारी चीजें की। अगर दो बोल्स है दोनों में से कोई एक इनसाइड एक आउटसाइड है, सो जो आउटसाइड वाला है वो ऊपर ले जाना है ऐसे, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको f ऑफ z कंसिडर करना है, सो f ऑफ z क्या मिलेगा, z प्लस थ्री डिवाइडेड बाय z प्लस वन प्लस टू आई। ओके अब यहां पे क्या करना है आपको, इसमें z0 की वैल्यू पुट करना है, z0 मींस जो पोल इनसाइड आया था उसकी वैल्यू, सो f ऑफ z में क्या पुट करेंगे, z इक्वल टू माइनस वन प्लस टू आई, पुट z इक्वल टू माइनस वन प्लस टू आई, सो f एट माइनस वन प्लस टू आई विल बी इक्वल टू, यहाँ क्या था z प्लस थ्री अपॉन z प्लस वन प्लस टू आई, सो यहाँ z की जगह जब माइनस वन प्लस टू आई पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस वन प्लस टू आई प्लस थ्री डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस टू आई प्लस वन प्लस टू आई। ओके सो ये हो गया टू प्लस टू आई
डिवाइडेड बाय, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस वन प्लस वन, ये हो गया फोर आई। ओके टू कॉमन आ सकता है, तो ये हो गया वन प्लस आई डिवाइडेड बाय टू आई। ये मिल गया अपने को एफ एट माइनस वन प्लस टू आई, विच इज वन प्लस आई डिवाइडेड बाय टू आई। फाइनली बाय कॉचिस इंटीग्रल थ्योरम, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ z प्लस थ्री अपॉन z स्क्वायर प्लस टू z प्लस फाइव डी जेड इक्वल टू, अब ऑर्डर वाला सम तो था नहीं जिसमें होल स्क्वायर होल क्यूब था, इसलिए ओनली टू पाई आई एट f एट z जीरो। सो टू पाई आई इन टू एफ एट जेड जीरो की वैल्यू क्या आई है अभी, वन प्लस आई डिवाइडेड बाई टू आई। सो टू एंड टू आई और आई कैंसिल, मीन्स फाइनल आंसर आया पाई वन प्लस आई, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ जेड प्लस थ्री अपॉन जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस फाइव डी जेड। ये सेकेंड वाली कंडीशन के लिए, तो इसका आंसर, थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।